हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आज हम एग्रोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कंटेंट मैक्सिमम नाइट्रोजन इज, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर में मैक्सिमम नाइट्रोजन होगी? तो डीएपी देख रखा है 1846 होती है, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। एक है मोनो अमोनियम फॉस्फेट और एक है अमोनियम फॉस्फेट। तो यूरिया अमोनियम जो फॉस्फेट होती है, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है आपकी। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो हर्बिसाइड, कौन सा बायो हर्बिसाइड नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका बायोस्फीयर, इसका नाम ही अलग है, बाकी फोर्स है, बायलोफोर्स, कोलेगो और डेमाइन, ये तीनों ही आपके बायो हर्बिसाइड है। बायोस्फीयर तो नाम ही अलग है, ऑटोमेटिक पता चल रहा है आपका बायोस्फीयर का। नेक्स्ट है, वॉटर ईयर इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, कौन से मंथ के फर्स्ट डे को अपन एज ए वॉटर ईयर मनाते हैं इंडिया में? तो वो आता है अप्रैल। अप्रैल मंथ का फर्स्ट जो डे है वो एज ए वॉटर ईयर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल सोयल एंड वॉटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपका है देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है, स्लेज एंड द बर्निंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस ऑफ, स्लेज या बर्निंग करती या आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग करती, ये सब के सब सारे के सारे प्रोसेस हैं, वो कौन से फार्मिंग सिस्टम का पार्ट है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका वो आ जाएगा शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग में ऐसा होता है, ईस्टर्न पार्ट वाले एरिया में चले जाएंगे जहाँ ट्राइबल्स एरियाज हैं, उनमें यही होता है कि जैसे एक जंगल का एरिया है उसको जला दिया, फिर वहां पे क्रॉपिंग कर ली, फिर आपका वहां का फर्टिलिटी खत्म हो गया तो उसको छोड़ दिया, दूसरे एरिया में चले गए, तो वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन बर्निंग वाले के अंदर आ जाता है। फिर है, कंपेयर टू द ए लार्ज सोइल पोर वाटर फाउंड इन द स्मॉल पोर इज, तो देखिए अगर लार्ज सोइल पोर की अपन बात करें स्मॉल सोइल पोर से, तो क्या होगा, लार्ज जो सोइल पोर है वो जो वाटर है वो लार्ज सोइल पोर का वाटर इजीली अवेलेबल होगा, बट स्मॉल में जो वाटर होगा वो एकदम टाइटली हेल्ड होगा। तो यही पूछा है, इसका आंसर आएगा हेल्ड मोर टाइटली बाय द सोइल, कंपेयर टू दैट इन द लार्ज सोइल पोर वाटर फाउंड इन द स्मॉल पोर इज मोर टाइटली बाय द सोइल, स्मॉल पोर वाटर तो उसमें बड़ा टाइट होता है, इसलिए फोर्स से एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है प्लांट को जो फाइन टेक्सचर से वाटर लेंगे। नेक्स्ट है, इन द यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन की अगर अपन बात करें, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन इज इक्वल टू RKLSCP जो आपकी इक्वेशन है, उसमें K का क्या मतलब है? K का मतलब होता है उसमें सोयल एरोबेबिलिटी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्राई लैंड एरिया इन इंडिया टुवर्ड द फूड बास्केट ऑफ द कंट्री इज अबाउट 45%। 45% एरिया हमारा ड्राई लैंड का है वो कंट्रीब्यूट करता है फूड बास्केट के अंदर। नेक्स्ट है आपका, फील्ड एप्लीकेशन इफिशियंसी इज लिस्ट इन, सबसे लिस्ट में फील्ड एप्लीकेशन इफिशियंसी किसकी होगी? तो वो आ जाएगी आपकी ग्रेडेड बॉर्डर इरीगेशन। नेक्स्ट है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरीगेशन इन द वीट क्रॉप, CRI, क्राउन, क्राउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सी होगी आपकी वीट में? CRI। नेक्स्ट है, लाइम रिड्यूसेस एक्सेस अपटेक, अगर आपने लाइम डाल दिया तो लाइम डालने की वजह से आप एक्सेस में जो पोटेशियम का जो अपटेक है वो नहीं कर सकते, लाइम आपकी पोटेशियम की अपटेक को घटा देगा, क्योंकि लाइम होता है कैल्शियम और पोटेशियम दोनों कटाइन हो गए और दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे, तो डायवेलेंट पहले जाएगा ज्यादा कंटेंट में, तो इसलिए पोटेशियम की अपटेक को कम कर देता है आपका लाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्राई फार्मिंग रीजन ऑफ इंडिया, तो वो है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम वाला जो एरिया है ये आपका ड्राई फार्मिंग नहीं आता, अकोला आता है, इंदौर आता है, बीजापुर आता है। इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल आर कॉमनली कॉल्ड एज, ये दोनों ऑर्डर हैं सोइल के, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल, और इन दोनों के अंदर ही जो इनिशियली जो सोइल होती है वो आती है, और इतने ज्यादा सोइल प्रोफाइल आपकी डेवलप नहीं होती, तो इसमें आएगी आपकी एलुवियल सोइल। वेयर है, डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रैप जोडियल वेयर इज कैलकुलेटेड, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा Q = 0.0186
LL3Y2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देख रखा है नेक्स्ट पेज पे, पुअर रेनफॉल एंड द हाई टेम्परेचर। रेनफॉल तो हो रही है कम और आपका जो टेम्परेचर है वो हो रहा है हाई। ऑफ द एरिड व सेमी एरिड रीजन आर फेवरेबल कंडीशन टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सलाइन सॉइल। बारिश कम हुई, टेम्परेचर हाई हो गया, जो थोड़ा बहुत पानी आपकी सॉइल में था वो सारा सारा इवेपोरेशन से उड़ गया। उस इवेपोरेशन के साथ में जो पानी ऊपर आया उसमें साल्ट घूम के आए थे, वो सारे साल्ट रह जाएंगे सरफेस पे, पानी आपका ऊपर चला जाएगा। अब बारिश हो नहीं रही तो घूम के साल्ट नीचे तो जाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आपकी सॉइल कैसे हो जाएगी, सलाइन हो जाएगी और सलाइन सॉइल का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सर्ज इरीगेशन इन ए रिच अंडर फ्लो मेथड। रिच और फ्लो मेथड में जो हम सर्ज इरीगेशन करते हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एडवांस वेटिंग लेंथ, एडवांस वेटिंग लेंथ। नेक्स्ट है, हर्बिसाइड परसिस्टिंग इन ए सोइल फॉर 6 to 24 months आफ्टर देयर एप्लीकेशन एट ए नॉर्मल रेट एंड कॉजिंग ए इंजरी टू ए ससेंडिंग ग्रोथ आर कॉल्ड एज नोटोरियस हर्बिसाइड। नोटोरियस हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड जो एप्लीकेशन करने के बाद में 6 to 24 months तक वहीं के वहीं बने रहेंगे और जो ससेंडिंग क्रॉप आपकी आएगी उसमें इंजरी पहुंच करेगी, उनको बोलते हैं नोटोरियस हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है आपका, द सोइल वाटर हेल्ड बिटवीन -0.3 से लेके -15 bar इज कंसिडर्ड एज ए अवेलेबल वाटर। आपका फील्ड कैपेसिटी से लेकर के परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट जो वाटर होता है वो अवेलेबल वाटर कहलाता है, और फील्ड कैपेसिटी से लेके आपके हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जो वाटर होता है वो आपका कैपिलरी वाटर कहलाता है, और जो आपका ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ये आपका लेस देन 0.3 bar के ऊपर मिलेगा, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये आपका 31 -31 bar के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडिया में जो प्रोड्यूस किया गया था वो था आपका SSP। ये इंडिया के अंदर सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था, जो फर्स्ट फर्टिलाइजर था आपका SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है, गोल्ड ऑफ अमेरिका इज नोन एज। अमेरिका का गोल्ड किसको बोला जाता है? सोयाबीन जो क्रॉप है उसको अमेरिका का गोल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इन द C4 प्लांट इज। C4 प्लांट में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है? 0 to 10 ppm, 0 to 10 ppm उसका कंपनसेशन पॉइंट होता है। अंडर ए हाई रेनफॉल कंडीशन मेज शुड बी प्लांटेड ऑन द साइडेड ऑफ द रिज। अगर आपका हाई रेनफॉल कंडीशन वाला एरिया है और आप वहाँ पे मेज प्लांटिंग करना चाहते हो तो वहां पर आप जो रिज की जो साइड्स हैं उन रिज साइड के ऊपर वहां पे मेज लगा सकते हो। नेक्स्ट है, एट्राजिन। एट्राजिन इज ए सेलेक्टिव टू मेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम। एट्राजिन को मेज में ही ज्यादा सेलेक्टिव तौर पर मेज में यूज किया जाता है, उसके पीछे रीजन है कि उसमें एक एंजाइम होते हैं ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, एराइल एसाइल अमाइडेज एंड अमाइड डीहाइड्रोलेज। ये तीनों के तीनों हार्मोन या एंजाइम हैं, ये तीनों के तीनों ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, एराइल एस्टेरमाइडेज एंड अमाइड डीहाइड्रोलेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एट्राजिन में, इसलिए वो मेज के लिए क्या है, सेलेक्टिव होता है और मेज के लिए उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है ये किसने कॉइंड किया था, किसने बनाया था, तो आ जाएगा आपका विलियम फोर्ड ने, और ये टर्म दिया किसने था, एमएस स्वामीनाथन। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन को लेके आने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन थे। इग्नोमी के आज वाले इस पार्ट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी का जो बचे हुए क्वेश्चन है इग्नोमी के वो नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। इस हिसाब से इग्नोमी का अभी सीरीज चलता रहेगा और उसमें सारे क्वेश्चन अपन सीरीज वाइज पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से एक वीक के अंदर इग्नोमी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारा कंटेंट सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए, और अगर हमें आ रही वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों